चुनें अपना प्रधानमंत्री न्यूज ऐप पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने फोन के स्कैनर से करें डाउनलोड या वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर करें क्लिक और जीतें 1,00,000 तक के इनाम। डाउनलोड न्यूज ऐप नाउ। प्रयागराज पुलिस ने ठेकेदार के बेटे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार का बेटा जिम्नास्टिक सीखने गया था। इस दौरान ठेकेदार का ड्राइवर रहा संजय यादव उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद आरोपी ड्राइवर ने बच्चे का अपहरण कर लिया और ठेकेदार को फोन कर 3 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। वहीं पुलिस की मदद से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वो ड्राइवर था पहले हम लोगों के यहाँ, उसका नाम संजय यादव है और उसने जो है अभी 4-5 महीने पहले काम छोड़ दिया था, 4 महीने पहले करीब खुद से छोड़ा था, उसको कोई हटाया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली मिक्सअप था तो बच्चे से बहुत ज़्यादा मिक्सअप हेला मिला था, तो उसके मन में कुछ ऐसा कुछ जागा होगा गंदा काम, तो उसने बच्चे का कल बर्थडे है तो उसने बच्चे को गिफ्ट दिलाने के बहाने से जो है वहाँ जिम्नास्टिक हॉल से उठा लिया बोझा स्कूल से। इसके बाद घर ने फ़ोन किया हमारे फादर इन लॉ को, ससुर को हमारे, इसके बाबा को कि जो है हमें पैसे चाहिए आपसे। कितने पैसे मांगे उसने? 3 करोड़ मांगे थे। फिर पुलिस की हेल्प ली गई और पुलिस ने बहुत अच्छा साथ दिया। क्राइम ब्रांच वालों में तो बराबर था, क्राइम ब्रांच वालों के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बच्चा हमारे साथ थे, सुरक्षित है। थाने में एक अपहरण की घटना हुई जिसमें रणवीर बच्चा था ये 6 साल का, इसके पिता अभिषेक सिंह हैं। इन्होंने बताया कि इनको एक रैंसम कॉल आई है जिसमें ये ड्राइवर है इनका संजय यादव, जिसने लगभग उम्र 26 साल के आसपास थी, जिसने इनको एक नंबर से धमकी दे करके कहा कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया और 3 करोड़ रुपये आपको देने पड़ेंगे, इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने यहाँ पर सर्विलांस क्राइम ब्रांच की टीम बाकी लोगों को लगा करके इसको पकड़ा। इसमें सराय इनायत में हंडिया मोड़ पर इसने इसकी गाड़ी पर फायर किए गए, ये लगातार स्टेपनी के दम पर चलता रहा, टायर इसके फट गए। आगे जाके 12-15 किलोमीटर के बाद इसने अपनी गाड़ी एक लोकल मोड़ पर उतार दी जहां पर इसमें पुलिस टीम के द्वारा जब इसको क्रॉसओवर किया गया, टेक ओवर किया गया, तब इसने पुलिस टीम पर एक और फायर किया और भागने की कोशिश की। जैसे इसने दरवाज़ा खोला तो पुलिस टीम ने भी अपनी उसमें एक फायर किया और इसके बाद इसको दाहिनी टांग पे गोली लगी। फिर इसने जब अपने आप को भागने में सक्षम पाया तो चूंकि ये बहुत उसने अपने आप को गोली मार ली, सर में गोली मार ली, बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस समय वो अपने मामा के साथ पुलिस कस्टडी में है। आपको बता दें कि आरोपी ड्राइवर ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। इलाज के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया है। प्रयागराज से पंकज की रिपोर्ट।